ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिं आधारं सर्वविज्ञानां हयग्रीवं उपास्महे। अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ आवरण। आवरण, व्हेन द वर्ड आवरण इज हर्ड, we get several meanings about avarna since our bms life or our ug life. avarna avarna ko ek aisa vishay bana ke rakha hai, uska naam sunte hi hame aisa lagta hai koi bahut kathin vishay hai, bahut hi kathin concept hai ye, aur ye sirf hoshyar logon ko samajh mein aayega aur sirf aise logon ko samajh mein aayega jo bahut hi ayurved mein bahut mahir hasil kiye hai, उनका ही कॉन्सेप्ट है ये, हमें समझ में नहीं आएगा। आवरण के बेस पर हम डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे। तो ऑल दीज थिंग्स आर, दीज आर द नोशंस व्हाट वी गेट इन अवर, व्हाट यू सी इन अवर यूजी लाइफ। तो सच में आवरण ऐसा है क्या? तो आवरण का मतलब क्या है? सो वी विल सी दिस कॉन्सेप्ट ऑफ आवरण इन इन अ पीरियड ऑफ 1 आवर और सो। Then after that we will have some discussions. तो ये आवरण होता क्या है? आवरण का मतलब क्या है? General meaning of आवरण is कुछ cover होना, कुछ fade हो जाना, या किसी के आवृत हो जाना, या कोई अपना प्रभाव डालना। तो ऐसे बहुत सारे आवरण का मतलब होते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से आवरण क्या है? What is the meaning of आवरण With regards to Ayurveda, तो आवरण भी जैसे त्रिदोष है, ऐसे आवरण भी एक आयुर्वेद की स्व संज्ञा है। It has got its own meaning in Ayurveda. I'll give you some examples, then we'll go to the शास्त्र references. अभी समझो कोई आपके घर में कोई गेस्ट आया है, तो कोई बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है, कोई पॉलिटिशियन है, या कोई गुरु है, कोई सन्यासी है, कोई स्वामी जी है, तो आपके घर में आए हैं तो और आपके हॉल में बैठे हैं, तो आप रेगुलरली जैसे हमारे घर में रहते थे हम लोग, तो वो उनके आने के बाद क्या हम रह पाएंगे ऐसे? हम थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं ना। कोई समझो कोई बड़ा व्यक्ति है, उसके सामने हम बात कैसे करेंगे? हम थोड़ा चलो बाहर जाके बात करेंगे। कोई स्वामी जी आए हैं, उनके सामने हम ऐसा कैसे बैठ सकते हैं? हम डिसिप्लिन से बैठेंगे। तो ये क्या हुआ, वो प्रभावी व्यक्ति है, उसके सानिध्य मात्र से, उसके प्रेजेंस के मात्र से, उपस्थिति मात्र से उसने आपके ऊपर प्रभाव डाला। उन्होंने कुछ नहीं किया आपको, उन्होंने नहीं कहा कि आपको पैर नहीं फसारना है, आपको शांत बैठना है, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनके उपस्थिति मात्र से ही आप कॉन्शियस हो गए, आप थोड़ा सोचने पे मजबूर हो गए कि ये करूं क्या ना करूं, ऐसे करूं क्या नहीं। तो ये प्रभाव है उस व्यक्ति का जिसने आपके नॉर्मल रूटीन के काम में बाधा डाला, नहीं तो आप ऐसे नहीं रह सकते थे। उनके प्रेजेंस के वजह से आप थोड़ा कॉन्शियस हो गए, ये भी एक तरह का आवरण है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, किसी का लेक्चर चल रहा है, वो ऐसा लेक्चर है, अभी समझ लो उस धर्माधिकारी सर लेक्चर दे रहे किसी टॉपिक पर, और विषय इतना डीप जा रहा है कि आप सब भूल गए, बाकी बाहर का दुनिया का क्या हो रहा है आप भूल गए, उस लेक्चर में तल्लीन हो गए। आप लेक्चर सुनते सुनते कोई पीछे से आके किसी को बोला कि उसको लेके गया होगा, या किसी को चाय पीने लेके गया होगा, हाँ किसी को कुछ दे के गया होगा, आप उसको जानते ही नहीं, आप उस लेक्चर में उस वक्ता के वाणी में इतना खो गए कि आपको बाहर का कुछ याद ही नहीं रहा, लेकिन कार्य वहां पर हो रहे है कुछ। तो ये भी एक तरह का आवरण है, समझ में आ रहा, उनकी वाणी में आप खो गए। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिसके थ्रू हम आयुर्वेद के आवरण को समझ सकते हैं। तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना पहले वाले व्यक्ति ने कुछ किया, ना दूसरे वाले ने अपना काम कर रहा है, तो
वो अपना काम कर रहा है, उसके अपने काम के वजह से किसी और के कुछ काम में बाधा उत्पन्न हुआ, तो ये इसको बोलते हैं अभिभवात्मक आवरण। तो उनका काम से, उनके उपस्थिति मात्र से यहाँ पर कुछ डिफरेंस होने लगा अपने काम में, तो ये अभिभवात्मक आवरण है। दूसरे होते हैं वायु के आवरण। अभी समझो एक रास्ता है, उस रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है, वो एक्सीडेंट हुआ है और हाईवे है वो ब्लॉक हो गया, एक लॉरी पड़ा है बीच में, वो लॉरी की वजह से पीछे का ट्रैफिक बंद हो गया, आगे का वहां का ट्रैफिक बंद हो गया, बीच में एक लॉरी ऐसे गिर गया है एक्सीडेंट की वजह से। ये मूर्त आवरण है, वहां पर कोई व्यक्ति है, वस्तु है या कोई अवयव है, उसके बीच में आने की वजह से पीछे के जो गाड़ी है वो खड़े हैं, उनको हम दोष कह सकते हैं, धातु कह सकते हैं, मल कह सकते हैं। तो वो स्रोतस में एक विकृति आ गई, उसके वजह से पीछे के दोष धातु मल वो रुक गए वहां पर, ये हो गया मूर्त आवरण। वहां पर कोई है, आप देखेंगे कोई गाल स्टोन का ऑब्स्ट्रक्शन है, या बिली अपना अल्पपित्त कामला जो कहते हैं हम, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, वे मूर्त आवरण है। वहां पर कोई वस्तु है, उसके वजह से दोषों का प्रवाह रुक गया। कोई ट्यूमर है वो स्रोतस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ये भी एक तरह का आवरण है, लेकिन ये मूर्त है। अब तीसरा देखेंगे अमूर्त आवरण, जो वायु के अपने अपने टाइप्स के बीच में होता है, अपानावृत प्राण, प्राणावृत अपान, व्यानावृत प्राण, व्यानावृत अपान, ये जो होते हैं ये इनको कहते हैं अमूर्त आवरण, जो वात के टाइप्स के बीच में, बीच अपने बीच में हो जाता, तो ये अमूर्त आवरण है। तो इस तरह आवरण बहुत तरह का हो सकते हैं। हमें जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है कि ये कवर, इसके ऊपर कुछ कवर हो गया तो ये आवरक है, ये आवृत है, ऐसा कुछ होता नहीं उधर हमारे शरीर में। गुल्म माने वायु का गोला, वायु का एक गोला बन गया, उसको गुल्म कहते हैं। प्रकोप माने दूध उबाल रहे, दूध कटोरी से वो अपना बर्तन से बाहर आ गया, वो प्रकोप है। ये सब चीजें जो है वो हमें जबरदस्ती सिखाया गया है, इनसे हमें बाहर आना चाहिए। अभी आवरण समझना है तो आपको पहले जो भी सीखे वो सब थोड़ा थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए, और ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। मैं भी ऐसे ही यूजी में जो आवरण सुना था उसके बाद तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया उस आवरण का कॉन्सेप्ट से। जब मुझे धर्माधिकारी सर मिले और अभिजीत सर का लेक्चर में मैंने सुना, तो ऐसे करके ये आवरण का कॉन्सेप्ट क्लियर होता गया। अभी भी मैं आवरण को कंप्लीटली समझा नहीं हूं, लेकिन कुछ हद तक मैं उस आवरण कॉन्सेप्ट को अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज कर रहा हूँ। वो कैसे यूज करते हैं वो हम देखेंगे अभी आगे के जाएंगे, तो अभी तो इंट्रोडक्शन। तो ये आवरण हमने तीन चार टाइप के देखे, जो मूर्त आवरण है, दूसरा अमूर्त आवरण है, और एक अभिभवात्मक आवरण जो उसके प्रेजेंस मात्र से हो रहा है। अभी जाएंगे हम चरक विमान स्थान, नहीं पहले जाएंगे चरक चिकित्सा स्थान, वात व्याधि अध्याय 28 चैप्टर, चरक चिकित्सा स्थान 28 चैप्टर, श्लोका नंबर 59, पेज नंबर है 619। वहां पर देखेंगे जो राइट हैंड कॉर्नर में एक श्लोक है, सर्वे सर्वेषु एतेषु संसर्गम पित्तादेर उपलक्षयेत, वो छोड़ दो लाइन को, नेक्स्ट लाइन वाला लाइन देखिए, वायोर धातु क्षयात कोपो मार्गस्य आवरणेन च,
वात प्रकोप के तीन कारण यहाँ पर आचार्य चरक बता रहे। एक है वायु हो धातु क्षयात, वात का प्रकोप कैसे होता है, धातु क्षय की वजह से होता है। दूसरा कोप के वजह से, मतलब धातु के प्रकोप के वजह से भी वात का प्रकोप होता है। तीसरा एक बता रहे मार्गस्य आवरणेन च, ये मार्गावरण से भी वात प्रकोप होता है। अब पहले वाला जो वायु और धातु क्षयात बताए हैं वो स्वतंत्र है, वो अपने हेतु के वजह से हो रहा है, वो स्वतंत्र वात प्रकोप है। उसके बाद जो मार्ग से आवरण होना चाहिए है, ये जो वात प्रकोप हो रहा है ये परतंत्र है। समझ में? तो इस तरह आचार्यों ने हमें ये आवरण जो है ये भी वात प्रकोप का या वात के दुष्टि का एक कारण बताया। तो आवरण ये कोई अलग व्याधि नहीं है, आवरण इज नॉट ए सेपरेट डिसीज और सेपरेट संप्राप्ति, ये हर व्याधि में होने वाला एक अवस्था विशेष है। इसको अच्छे से समझना है आपको, ये हर व्याधि में होने वाला एक अवस्था है। आवरण हर डिसीज में होता है, कहीं कहीं थोड़ा होता है, कहीं बहुत हो जाता है, कहीं थोड़ी चिकित्सा पे वो अपने आप कम होता है, आपको पता भी नहीं चलता, और कोई डिसीज में बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। तो इस तरह आवरण के बहुत सारे डिसीज में या हर डिसीज में आप देख सकते हैं। तो इसके बाद जाएंगे हम वही चैप्टर में, श्लोका नंबर 15, 16, 17 वाला। श्लोका नंबर 15, रूक्ष शीतालपलग्वान व्यायामाति प्रजागरैहि विषमादुपचारच्च दोषासृक श्रवणादति, ये सारे हेतु बताए हैं। उसके नीचे सबसे लास्ट वाला मतलब 18th नंबर श्लोका, उस पंक्ति में, देहे श्रोतांसि रिक्तानि पूरयित्वा अनिलो बलि करोति विविधान व्याधीन सर्वांग एकांग समश्रितान। तो यहाँ पर स्रोतस में जो भी विकृति आती है, तो यहाँ पर सबसे पहले दोष सेवन मतलब हेतु सेवन के बाद दुष्ट होने वाला स्रोतस ही है। वो देहे श्रोतांसि रिक्तानि पूरयित्वा अनिलो बलि करोति विविधान व्याधीन सर्वांग एकांग समश्रितान। तो यहाँ पर चक्रपाणि जी का टीका देखिए, यहाँ पर लास्ट लाइन में है, रिक्तानि इति तुच्छानि स्नेहादि गुण शून्यानि इति। तो मतलब रिक्तानि का मतलब क्या है, तुच्छानि मतलब स्नेहादि गुण शून्यानि इति अर्थः। सो स्रोतस रिक्त हो गए हैं, जिसके शरीर में स्रोतस स्नेहादि गुणों से रिक्त हो गया है, मतलब उसको विपर्यत अंतरयुक्ति लगाने पर क्या हो जाता है, रूक्षादि गुण युक्त हुए हैं। ये हेतुओं का सेवन करने से, रूक्ष शीत लघु ये सभी हेतुओं का सेवन करने से अपने शरीर के स्रोतस रूक्ष होते गए, खर होते गए, सूक्ष्म होते गए, चलो ये सारे लक्षण उस स्रोतसों में आ गए, तो उसको कहेंगे स्रोतो दुष्टि या स्रोतो अपना क्या बोलेंगे इसको, स्रोतो रिक्तता। तो इस तरह के स्रोतस में ये वात प्रकोप की संभावना ज्यादा रहता है। इसके बाद देखेंगे, अभी जाएंगे हम चरक विमान स्थान, श्लोका चैप्टर नंबर 5, श्लोका नंबर 9, चरक विमान स्थान, पेज नंबर 251। श्रोतांसि शिराः धमन्यः रसायन्यः रसवाहिन्यः नाड्यः पन्थानः मार्गाः। तो सब छोड़ो, यहाँ पे नीचे से फोर्थ लाइन, श्रोतांसेव धातवश्च धातूनेव प्रदूषयन्ति प्रदुष्टाः तेषां। तो यहाँ पर
हाँ पढ़ तेषाम। तेषां सर्वेषामेव वातपित्तश्लेष्माणः प्रदुष्टा दूषयितारो भवन्ति दोषस्वभावादेति। तो यहाँ पर देखिए उससे ऊपर वाला जहां से शुरू होता है श्लोक का, तेषां प्रकोपात् स्थानस्थ एव चैव तस्य शरीरदातवः प्रकोपम् आपद्यन्ते। तो हम वहां पर देखे स्रोतस जब रिक्त हो जाता है, स्रोतस आदि गुणों की कमी हो जाती है, तो उसके वजह से स्रोतस में रुक्षादि गुणों से युक्त होने के बाद वात का प्रकोप होने की संभावना है। तो पर तेषां प्रकोपात, ऐसे जब वात का प्रकोप हो जाता है तो, या कोई दोषों का प्रकोप होता है तो स्थानश्च एव मार्गगश्च शरीर दातवः प्रकोपम आपद्यन्ते। तो स्थानस्थ दोष और मार्गगश्च दोष दोनों एक साथ प्रकोपित हो जाते हैं। जब ये हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं आगे, इतरेषां प्रकोपम आदितराणि च, वो चुप नहीं बैठता, वो किसी और को प्रदूषित करता है। तो ये श्लोक आवरण समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसको आप अच्छे से देखिए, श्रोतांसि श्रोतांसेव धातवश्च धातुनेव प्रदूषयन्ति प्रदुष्टाः। जब एक स्रोतस दुष्ट हुआ वो दूसरे स्रोतस को दुष्ट करेगा, एक धातु जब दुष्ट हुआ वो दूसरे धातु को दुष्ट करेगा ही, वो चुप नहीं बैठते। एक स्रोतस दुष्ट हुआ तो उसके बाद नेक्स्ट में ये कोई और स्रोतस दुष्ट करेगा। इसको अभी अन्वय करिए इस श्लोक को, क्या हो जाएगा, प्रदुष्टः श्रोतांसि श्रोतांसि एव प्रदूषयन्ति प्रदुष्टः धातवः धातुनेव प्रदूषयन्ति। तो ये अन्वय होगा। तो मतलब क्या हुआ, जब मेद वह स्रोतस विशेष हो जाएगा तो वो अस्थि वह स्रोतस को विशेष करेगा, या मज्जा वह स्रोतस को विशेष करेगा। जब अस्थि विशेष हुआ या अस्थि दुष्ट हुआ तो वो मज्जा को दुष्ट करेगा या रक्त को दुष्ट करेगा। ऐसे धातु धातुओं में स्रोतस स्रोतसों को दुष्ट करता है। तो यहां पर दो मत हो जाते हैं, एक तो विपर्य तंत्र युक्ति लगाने के बाद क्या होता है, तो मतलब स्रोतस धातु को दुष्ट नहीं करता गया, स्रोतांसि श्रोतांसेव, तो स्रोता स्रोतस धातु को दुष्ट नहीं करेगा, स्रोतस स्रोतस को दुष्ट करेगा और धातु धातुओं को दुष्ट करते जाएंगे। तो इसका मतलब अभी आवरण समझने के लिए हमने तीन टाइप का देखा, एक तो मूर्त आवरण देखा, अमूर्त देखा और अभिभावात्मक आवरण भी देखा। तो ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए अभी जाएंगे 28th चैप्टर, जहां पर आवरण का एक ही लाइन में बताया गया, 28th चैप्टर श्लोका नंबर 217। वातानां वृद्धिं हानिं च कर्मणां द्वादश आवरणानि आवरणानि स्थानानि आवेक्ष वातानां वृद्धिं हानिं च कर्मणाम हानिम च कर्मणाम। तो मतलब क्या है, इससे पहले वाले श्लोक में वो द्वादश आवरण के बारे में बताया, जो वात के अन्योन्य आवरण है। तो वहां पर ये होने के बाद आचार्य क्या कह रहे हैं, स्थानानि आवेक्ष वातानाम, पहले वात के स्थान देखो, उसके बाद वृद्धिम हानिम च कर्मणाम, उसकी वृद्धि हुई है या हानि हुई है वो देखो। कितना सरल उपाय से उन्होंने आवरण को समझने का तरीका बताया है, स्थानानि आवेक्ष वातानाम वृद्धिम हानिम च कर्मणाम। तो इसका अन्वय लगाओ, वातानाम स्थानानि आवेक्ष वृद्धिम हानिम च कर्मणाम। तो मतलब क्या है, हमें अभी पहले वाला लक्षण में क्या श्लोक में क्या पढ़ा,
श्रोतांसि श्रोतां सेवा धातुन धातुनिव प्रदूषयंती, तो मतलब एक स्रोतस दूसरे स्रोतस को दुष्ट करेगा, एक धातु दूसरे धातु को दुष्ट करेगा, इसका शास्त्र सम्मत हमें प्रमाण मिला। अभी वाला हम जो देख रहे हैं ये आवरण समझने के लिए वो सब एक बैकग्राउंड था। अभी देखिए स्थानानि आवेक्ष वातानाम वृद्धिम हानिम च कर्मणाम, ये थोड़ा सा क्लिष्ट है लेकिन बहुत इजीली समझ में आएगा, अच्छे से देखिए इस चीज को। स्थानानि आवेक्ष वातानाम स्थानानि आवेक्ष, वात के अपने अपने स्थान आपको पता है, अपान का स्थान पकवास है, उदान उरह स्थान, व्यान सर्व शरीर, प्राण उर भाग ऊपर के भाग, तो ये आपको पता है, समान अग्नि समीप कोष्ठ में ये आपके वात के स्थान आपको पता है, उसकी वृद्धि हुई है या क्षय हुआ है ये देखना है आपको, ये भी आपको पता है ना। अभी समझो सिर में दर्द हो रहा है तो कौन सा दोष है, प्राण वात का वृद्धि हुई है, ओके। अभी अतिसार हो रहा है, अपान वात की वृद्धि हुई है, तो ये स्थान के आधार पर हम दोषों का वृद्धि या हानि देखे। वातानाम स्थानानि आवेक्षा वृद्धि हानिम च कर्मणाम, वृद्धि हुई है या कर्म क्षय हुआ है, किसका, उनके कर्मों का, ये देखा हमने। द्वादश आवरणान अन्यान अभिलक्ष विसर्जिता, तो द्वादश आवरण में उन्होंने सारे आवरण नहीं बताए, प्राणावृत अपान का बताया है, तो अपानावृत प्राण का उन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया, उनको हमें ढूंढना है। उन्होंने जो टाइप्स बताया है इतने टाइप के आवरण है, वो टाइप्स नहीं है, वो एग्जाम्पल्स है कुछ। आचार्य ऐसे अनगिनत आवरण अपने शरीर में होते रहते हैं, उन सबको एक्सप्लेन नहीं किया है, एग्जाम्पल के तौर पर कुछ आवरण हमें एक्सप्लेन किया है, बाकी के हमें करना है, तो हमें करना है, तो ये बेसिक है उसका। पहले जो स्रोतस दुष्ट हो रहा है उसकी उसको देखिए, उसके बाद जो दुष्ट हुआ स्रोतस किसी और को दुष्ट कर रहा है उसको देखिए। अब कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूंगा ना, आपको यूं यूं समझ में आएगा, ठीक है। तो उसकी एग्जाम्पल्स देता हूं कुछ। अब देखो आप कोई पेशेंट है, उसको 3-4 दिन से मोशन नहीं हो रहा है, टॉयलेट क्लीन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो टॉयलेट क्लीन नहीं हो रहा है तो उसकी कौन सी दोष की कौन सा क्षेत्र विकृत हुआ? अपान अपान की क्षेत्र विकृत हो गई। अब उसको कंप्लेंट क्या लेके आया है? सिर में शूल हो रहा है, सिर बहुत दर्द कर रहा है सर। जब आप हेतु देखेंगे, जब हिस्ट्री लेंगे, तो वो बोलेगा कि 3 दिन से मुझे मोशन नहीं हुआ है। तो विकृति कहाँ पर दिख रही है आपको? सिर शूल कौन से क्षेत्र है? प्राण। प्राणवायु तो पहले दुष्टि कहां पर हुई? अपान में अपान के क्षेत्र में। उसके वजह से उसके लक्षण कहां पर दिखाई दे रहे हैं? प्राण प्राण के स्थान पर में। तो ये हुआ अपान आवृत प्राण। वो जो मल वहां पर पड़ा है वो सिर में आके कुछ काम कर रहा है क्या? वो अपनी उपस्थिति मात्र से वो किसी और स्रोतस में दुष्टि पैदा किया, तो इसको कहेंगे आवरण। वो कुछ नहीं कर रहा है, उसकी उपस्थिति मात्र है वहां पर, किसी और स्रोतस के दृष्टि से किसी और स्रोतस में हमें लक्षण दिखाई दे रहा है, तो इसको कहेंगे आवरण। तो ये अपान आवृत प्राण हो गया। अंडरस्टैंडिंग? तो इस तरह एक स्रोतस की दृष्टि है, वो किसी और स्रोतस में उसके लक्षण दिखाई दे रहा है, तो इसकी वजह से वहां पर दृष्टि हो रहा है, तो इसको आवरण कहेंगे। तो इस ऐसी तरह से स्थानानि वातानाम स्थानानि आवेक्ष, वात के स्थान देखो, उसके बाद उसमें वृद्धि है या क्षय है देखो, इस तरह हमें बाकी के आवरणों को समझना है। बहुत सिंपल, कुछ शास्त्र के एग्जाम्पल देंगे आप। निकालिए चरक चिकित्सा स्थान 13। चरक चिकित्सा स्थान 13। माय वॉइस इज क्लियर राइट? कैसे अभी हर दोष हर डिसीज में चरक चिकित्सा स्थान के सारे चिकित्सा अध्यायों पर आवरण के बेस पर हम ये स्रोत संप्राप्ति देखेंगे। उधर
चिकित्सा देख निकालिए, श्लोक नंबर 20। जो उदर की संप्राप्ति पड़ी, रुद्ध्वा स्वेदाम्बुवाहिनी दोषाः स्रोतांसि संचिताः प्राणाग्न्यपानान् संदुष्य जनयत्युदरं नृणाम्। अब देखिए इसको आवरण के बेस पर हम संप्राप्ति विघटन करेंगे। रुद्ध्वा स्वेदाम्बुवाहिनी, स्वेद और अम्बुवा स्रोतस, ये कौन से क्षेत्र में आता है, कौन सा दोष के क्षेत्र में आता है वात के? ये आता है समान वात के क्षेत्र में। यहाँ पर रुद्वा स्वेद अम्बुवाहिनी, ये अम्बु और स्वेदवा स्रोतस में दुष्टि पहले हो गया। दोषः स्रोतांसि संचिता, उसकी वजह से दोष स्रोतसों में संचित होने लगे। उसके बाद कहाँ पर दुष्टि हो रही है? प्राणाग्नि, प्राण अग्नि अपानान संदुष्य जनयंती उदरम प्रणाम। इसको कैसे देखेंगे? सबसे पहले समान के क्षेत्र में विकृति हुई, वो समान के क्षेत्र की विकृति से लक्षण हमें प्राण में दिखाई दे रहे हैं, अग्नि में दिखाई दे रहे हैं और अपान में दिखाई दे रहे हैं। समान आवृत प्राण, समान आवृत अपान, समान आवृत उदान। तो इस तरह हमें पहले किसकी चिकित्सा करनी है? समान की चिकित्सा करनी है, क्योंकि सबसे पहले वही दुष्ट हुआ है। अभी जो पेशेंट हमारे पास आया था उसको हम मोशन के लिए ट्रीटमेंट करेंगे, जो मोशन नहीं हो रहा है तो उसको क्या हम शिरशूल दिवज रस देंगे या पत्थादि काढ़ा देंगे, उसका शिरशूल कम करेंगे क्या? उसके लिए हम अपान की चिकित्सा वहां पर करेंगे, उसको एक एनिमा दे देंगे, उसको एक कषाय बस्ती दे देंगे या बुधवर्ती दे देंगे या कुछ अनुलोमन द्रव्य दे देंगे, अनुलोमन अन्न देंगे, तो उसका अपान निकल जाएगा, तो उसका शिरशूल कम होगा क्या? नहीं। तो चिकित्सा हमें उस दोष की करनी है जहां पर पहले दुष्टि हुई, उस दोष की करनी है जहां पर आवरण है। तो ये अपान आवृत प्राण था, तो अभी चिकित्सा भी हमें समान की ही करनी है उदर में, क्योंकि ये समान आवृत अपान है। जब समान कॉमन हमारे साथ आ गया, जब अग्नि उसकी दुष्टि नॉर्मल हो गया, उसके बाद हम जाएंगे प्राण की चिकित्सा के लिए, उदान की चिकित्सा के लिए और अपान की चिकित्सा के लिए। ठीक है, तो इस तरह समान आवृत प्राण, समान आवृत अपान। अभी आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, आम वात है। तो आम वात में क्या हो रहा है? सबसे पहले दुष्टि किसकी हो रही है वहां पर? अग्नि की दुष्टि हो रही है। तो अग्नि किसका क्षेत्र है? समान का क्षेत्र है। उसके वजह से जो अग्नि दुष्टि हुई उसके लक्षण कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हमें? आम आम वात में कौन से वात के क्षेत्र में दुष्टि दिखाई दे रहे हैं? हाथ पैर सर्व शरीर क्या है? व्यान वायु, व्यान के क्षेत्र है। पहले दुष्टि कहाँ पर हुई? समान वायु, समान की दुष्टि हुई। तो ये क्या हो गया, कौन सा आवरण हो गया? ये समान आवृत व्यान। वेरी गुड, तो आप ये समझ गए इस चीज को, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले दुष्टि कौन से दोष के क्षेत्र में, वात के कौन से स्रोतस में हो रहा है वो देखना है, उसके वजह से लक्षण कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये हमें देखना है। इसको कहेंगे आवरण। उसके वजह से, किसी और के वजह से किसी और में लक्षण दिखाई दे रहे। मैं एक एग्जाम्पल देता था, वो जब एग्जाम्पल दिया था तो अभिजीत सर हंसने लगे थे, तो क्या क्या देता है रह करके। आम की एक बुट्टी है, समझो एक आम है, पके हुए आम रखे एक जगह में, एक आम उसमें दुष्ट हो गया, एक आम सड़ गया, तो वो आम, आम बोले तो हमारा आयुर्वेद का आम नहीं, मैंगोस, तो वो मैंगो जब एक खराब हो गया तो वो उसने कुछ नहीं किया, उसके दूर वाला कोई और मैंगो भी सड़ गया या उसके बगल वाला कोई मैंगो सड़ गया, तो इसको कहेंगे आवरण। उसके वजह से ये सड़ रहा है, नहीं तो ये सब हेल्दी थे, एक उसमें आ गया दुष्टि तो सब में दुष्टि लाने लगा, तो ये हो गया आवरण। तो आज से आप क्या समझेंगे, आम बात क्या है? समान आवृत व्यान है। चिकित्सा किसकी करनी है? व्यान की करनी है, समान की करना है, समान की ही करनी है। तो वो आवरण हट जाएगा, जब आवरण हट गया तब तो आपको शुद्ध वायु की चिकित्सा तो करनी ही है। यही गृद्रसी है। गृद्रसी में क्या है?
उसके हेतु क्या थे? सारे संतर्पण हेतु है। संतर्पण हेतुओं की वजह से उसको कफ विकृति हो गई, तो शरीर में कफ की विकृति से उसका व्यान वात में चेंजेस आ गए, उसको चलना फिरना ये हो गया, तो वो आएगा आपके पास, हैवीनेस लेके आएगा, गुरुत्व, शरीर शूल, ये सब लेके आएगा। तो हमें चिकित्सा पहले दो वात की करनी है या कफ की करनी है? कफ 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 की ही करनी करनी है, तो ये कफावृत वात हो गया। तो हमें पहले चिकित्सा उद्वर्तन, पालुका स्वेद, पत्रपोटली स्वेद, ये सब करके कफ के आवरण को हटाना है। उसके बाद हमें शुद्ध वायु की चिकित्सा के लिए हमें अनवासन, कषायवृत्ति, ये सब का प्रयोग करना है। तो इसलिए पहले क्या हुआ, कफ की दृष्टि हो गई, उसके वजह से व्यान वात के सर्व शरीर में दृष्टि हो गई, तो इसलिए इसको कहेंगे कफावृत व्यान या कफावृत वात सिंपली। तो ऐसे करके अभी जाएंगे चरक चिकित्सा स्थान 16 चैप्टर। और एक एग्जांपल, आपको सभी चिकित्सा स्थान के हर व्याधि में हमें आवरण के एग्जांपल मिलेंगे। वन ट्वेंटी फोर्थ श्लोका, पेज नंबर 532। तिल पिष्ट निभम यस्तु इधर हाँ तिल पिष्ट निभम यस्तु वर्चः सृजति कामली श्लेष्मण रुद्ध मार्गम तत् पित्तम कफहरैर् जयेत। तिल पिष्ट निभम यस्तु वर्चः सृजति कामली श्लेष्मण रुद्ध मार्गम, ये अवरुद्ध है, ये भी आवरण ही है। तद पित्तम कफहरेर जयेत, ऐसे पित्त को जो कफ के वजह से रुका हुआ है उसका आपको विजय प्राप्त करना है उसके ऊपर, तो आप कफ की चिकित्सा पहले करो, ऐसे आचार्य बता रहे हैं। तो पहले क्या हुआ, दृष्टि कफ से हो गई, उसके वजह से दूसरा जो दोष प्रकृत हुआ वो है पित्त, तो इसलिए इसको कहेंगे कफावृत पित्त। ठीक है, चिकित्सा यहाँ पर कफ की करनी है। उसके नेक्स्ट वाला श्लोक देखिए, 130 श्लोका, कटु तीक्ष्णोष्ण लवणैर वृषैर आम्लैश्च उपक्रमः। तो यहाँ पर चिकित्सा उन्होंने पित्त का नहीं बताया है, कटु बता रहे हैं, तीक्ष्ण बता रहे हैं, उष्ण बता रहे हैं। वृषम आम्लैश्च, बहुत मात्रा में देना है, वो भी ह्यूज अमाउंट में, सो दैट द आवरण ऑफ कफ विल डिरेंज और पित्त हमें स्वतंत्र मिल जाएगा। तो यहाँ पर पित्त प्रकोप जो है वो परतंत्र पित्त प्रकोप है, श्लेष्मा प्रकोप जो है वो स्वतंत्र। ठीक है, इसको कहेंगे मूर्त आवरण। यहाँ पर तो मूर्ति दिख रही है उसकी, अब समान आवृत, ये अपान आवृत प्राण था उसमें दिख रहा था क्या कुछ? वो नहीं दिखता है, वो अमूर्त है। यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हमारे सामने दिख रहा है, तो इसलिए ये मूर्त आवरण। ठीक है, इतने ही टाइप्स है, बाकी सारे वो जो टाइप्स है वो एग्जाम में लिखने के, समझ में? ये जो भी बता रहा हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, अभी ये जाके एग्जाम में मत लिखिए ये सब। अभी जाके देखेंगे और एक और एग्जाम्पल, चरक चिकित्सा स्थान 29, वात रक्त 29 ना। ट्वेंटी नाइन में वात रक्त की संप्राप्ति वाला श्लोक देखिए, श्लोक नंबर 9, 9-10। पेज वायु नंबर सिक्स टू एट, वायु उसके ऊपर वाला हेतु देखिए, कषाय कटुतिक तल्प रुक्ष आहारात अभोजनात हय उष्ट्र यान यानांबु क्रीडा प्लवन लंघनैः उष्णे च अत्यध्व वैषम्याद व्यवायाद वेग निग्रहाद वायोर्विवृद्धो वृद्धेन रक्तेन आवरितः पतिः कृष्णं संदूषये द्रक्तं तज्ज्ञेयं वातशोणितम्। तो यहाँ पर देखिए, ये हेतुओं से सारे हेतु जो बताया वो किसके हेतु है, पित्त के प्रकोप के हेतु है। हाँ, उष्ण, ये सभी हेतुओं से पहले दुष्ट क्या हुआ, पित्त हुआ।
ये पित्त की दुष्टि के वजह से वो क्या कर रहा है, लक्षण क्या दिखाई दे रहा है, वायु विवृद्ध वृद्धे न रक्तेन आवृत पति। ये शब्द देखो यहाँ पर, रक्त का आवरण हुआ है। पहले दुष्टि स्रोतस में पित्त की हुई, वो पित्त क्या किया, वात को प्रभावित किया और उसका आवरण पैदा किया, तो उसकी वजह से वात रक्त हो गया। तो ये क्या हो गया, रक्तावृत वात। समझ में? तो इतना सरल है आवरण को समझना। हर संप्राप्ति आप देखिए, उसमें आवरण आपको दिखाई देगा। आपको सिंपल ये करना है कि कौन से दोष की विकृति पहले हो रही है, कौन से हेतुओं से वो विकृति हो रहा है, वो हेतु की वजह से कौन से अन्य स्रोतस में हमें दुष्टि के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वो देखना है। जो पहले दुष्ट होता है वो आवृत करेगा, वो आवरण पैदा करेगा, और दूसरे वाले की कोई गलती नहीं होता है, उसकी चिकित्सा के लिए हमें गड़बड़ नहीं करना है। पहले जो आवृत है उसको हमें निकालना है। इतना ही सरल ये संप्राप्ति है। अभी जाके गुरु स्तंभ देखिए, 27 श्लोकांबर 10। रुद्वाशु गौरवादूरु यात्यधोगेय सिरादिभिः। हाँ, तो सबसे पहले ये जो हेतु बताया है वो सभी हेतु से कफ और मेदस प्रकोपित हो जाएंगे। तो ये मेद की प्रकोप की वजह से हमें लक्षण सर्व शरीर में वात के प्रकोप के लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन दुष्टि पहले मेद में हुई। तो ये देखिए, मेदसावृत, हाँ, वातादीन मेदसा सहा, रुद्वा आशु गौरवाद गुरु याति अधो अधोगे सिरादि भी। तो पहले मेदस के क्षेत्र में विकृति हुई, पहले कफ के क्षेत्र में विकृति हुई, उसके वजह से लक्षण हमें वात के क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। तो ये हुआ मेदसावृत वात। तो आवरण एक अलग व्याधि नहीं है, हर व्याधि में होने वाला एक छोटा सा एक संप्राप्ति है, या एक अवस्था है, वो अवस्था विशेष है बस। ठीक है, तो आप ऐसे ही हर लक्षण में, हर व्याधि में आपको आवरण देख सकते हैं। तो अभी पित्त छर्दी देखिए, तो वो परिणाम शूल है, पित्त छर्दी है। अभी विदग्ध आजीर्ण है, तो उसमें सबसे पहले सामान के क्षेत्र में विकृति हुई, तो विदग्धता से शूल उत्पन्न होने लगा, सर्व शरीर में शूल होने लगा, पेट में शूल होने लगा। तो ये सामान आवृत वात है। सबसे पहले चिकित्सा हमें सामान की करनी है, वात शमन के लिए। अभी देखे है ना आप आचार्य, जब अजीर्ण में शूलहर औषधियों का निषेध करते हैं, तो नहीं शूलग्नम औषधम दद्यात् ऐसे बताते हैं। तो शूलग्न चिकित्सा नहीं करना है वहां पर, वहां पर हमें वात की चिकित्सा से पहले समान वात की चिकित्सा से पहले समान की चिकित्सा करना चाहिए। तो इस तरह हर एक, अभी क्लैब है, क्लैब में क्या हो रहा है, तो एरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्री मैच्योर एजाकुलेशन, ये सब क्या है, ये शुक्रावृत वात है। सबसे पहले शुक्र के स्रोतस में, शुक्रवा स्रोतस में दुष्टि हुई। दुष्टि होने के कारण क्या थे, यही था, अति मैथुन था, अकाल मैथुन था, इसकी वजह से शुक्रवा स्रोतस में दुष्टि हुई, शुक्र में दुष्टि हुई। उसके बाद जो एजाकुलेशन में प्रॉब्लम हो गया, ये सब वात के क्षेत्र है, अपान वात के क्षेत्र है, शुक्रावृत है ये। तो चिकित्सा हमें शुक्र की करनी चाहिए। अभी ऐसे बहुत सारे संप्राप्ति, और कोई संप्राप्ति भी आप निकाल के देख सकते हैं। अभी समय बहुत हो रहा है, अभी निकले चरक चिकित्सा स्थान 28 चैप्टर, एक लास्ट श्लोका से हम इसका समारोप करेंगे। श्लोका नंबर 247। पेज नंबर 627। Yes. क्षयं वृद्धिं समत्वं च
तथैव आवरणं बिशक् विज्ञाय पवनादीनां न प्रमुहियति कर्मसु। तो क्षयं वृद्धिं समत्वं च तथा एव आवरणं बिशक्। तो क्षय और वृद्धि ये तो हम समझते हैं, समत्व को भी हमें समझ में आता है, और आवरण ये चारों जब हम समझ के चिकित्सा करते हैं तो वो न प्रमोहित कर्मसु, उसके कर्म में वो कभी मोहित नहीं होता या गलत डिसीजंस नहीं लेता। तो इस तरह हमें हर व्याधि में क्षय वृद्धि समत्व ये सबको देख के चिकित्सा करना अनिवार्य है। ठीक है, तो चिकित्सा कैसे करना है? अभी हमने देखा जो आवरण है उसकी चिकित्सा बहुत सिंपल हो जाता है। अभी आप देखेंगे चरक चिकित्सा स्थान में यही क्षेत्र में बताया है, वात व्याधि के चिकित्सा में उदानम योजयेत ऊर्ध्वम अपानम च अनुलोमयेत समानम शमयेत, इस तरह हमें हर एक दोषों का चिकित्सा करना चाहिए। अभी बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनकी चिकित्सा, उनके डायग्नोसिस हम आवरण के बेस पर ही कर सकते हैं। अभी एक पेशेंट आया था, उसका जब हम सिटी स्कैन ऑफ द ब्रेन, जब हमने सिटी ब्रेन निकाला था उसमें ट्यूमर था, तो वो ट्यूमर डिटेक्ट हो गया। उसको लक्षण थे, कंप था शरीर में, ऐसा ये हो रहे थे, कंप हो रहे थे और पैर में चलने के लिए शक्ति। तो मैंने डायग्नोसिस बनाया इसका प्राणावृत व्यान, जो क्षेत्र में दृष्टि हुई वो प्राण है और लक्षण व्यान में दिखाई दे रहे, सर्व शरीर में दिखाई दे रहे, तो इसलिए ये हुआ प्राणावृत व्यान। तो इस तरह हर एक व्याधि में आप अपना इसके आधार पर हम चिकित्सा कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल्स, अभी समझिए पार्किंसनिज्म है। तो पार्किंसनिज्म क्या है आवरण की दृष्टि से? तो सबसे पहले उसकी दृष्टि कहां पर हुई है? प्राण के क्षेत्र में दृष्टि हुई है, उसकी वजह से सर्व शरीर में उसको लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए वो हुआ प्राणावृत व्यान। तो ऐसे ही आप मॉडर्न के भी जो भी डिसीज है और उसमें जो भी लक्षण है उनके आधार पर हम इसकी चिकित्सा कर सकते हैं। और एक एग्जांपल जो कॉमनली, एक एग्जांपल अभी हमारे पास जो पेशेंट आते हैं प्रमेह है, तो प्रमेह क्या है? सर्व शरीर में क्लेद भरा है ना, तो क्लेद सर्व शरीर में है, तो हेतु किसके सेवन करके आते हैं वो लोग? सारे हेतु जो कफ के हेतु होते हैं, मेद प्रदूषक हेतु होते हैं, और उसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं? मूत्र व स्रोतस में एक्सेसिव यूरिनेशन, एक्सेसिव मिक्सुरेशन, ये लक्षण लेके आते हैं। दृष्टि हुई है मेदो व स्रोतस में, लक्षण दिखाई दे रहे मूत्र, एक्सेसिव मूत्र प्रवृत्ति, तो ये हो गया मेदसावृत वात। तो व्या प्रमेह का क्षेत्र, मेद का क्षेत्र क्या है? व्यान है, व्यान सर्व शरीर में है, तो मेदस के क्षेत्र में है, तो व्यानावृत अपान। तो इस तरह से हमें हर व्याधि में ये करना है। स्थानानि आवेक्षवातानां वृद्धिं हानिं च कर्मणां, इस तरह से हर एक व्याधि में अन्यानि सारे और भी जो बताए नहीं है अनुक्त है उनका भी हमें चिंतन इसी तरह करना है। ठीक है, रीनल कैलकुले में क्या होता है? दृष्टि कहां पर है? अपान के क्षेत्र में, तो अपान में कैलकुलाई फॉर्म हो गया, मतलब किडनी में कैलकुलाई फॉर्म हो गया। लक्षण क्या दिखाई दे रहा है? पेनफुल मिक्सुरेशन, एक्सेसिव मिक्सुरेशन हो सकता है, कभी यूटीआई हो सकता है, और पेन होता है बहुत सारा सीवियर, वो कहां पे? नीचे के क्षेत्र में ही हो रहा है। तो दृष्टि पहले अपान में हुई और लक्षण भी अपान में ही दिखाई दे रहा है, तो ये अपानावृत अपान है। तो इस तरह दोष अपने खुद के भी आवरण कर सकते हैं। ये जब मैं पहली बार सुना धर्माधिकारी सर के मुंह से, मैं एकदम चौंक हो गया था। क्या दोष अपने खुद को ही आवरण कर सकता है? मतलब खुद के गति में खुद ही अवरोध कर रहा है,
चिकित्सा क्या करना है, बस्ती दे दो, अनुवासन दे दो, और अपान की ही चिकित्सा वहां पर करो, तो ये अपानावृत अपान हो गया। तो ये हाँ, ये तो ग्रंथकर्ताओं का सही कह अंडरस्टैंडिंग रहा था। इस तरह है, ग्रंथकर्ताओं का अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ण इस तरह है। हमें टेक्स्ट बुक में जो पढ़ाते हैं, किसी और के ऊपर कवर हो गया, किसी और अंदर रहता है, कोई और बाहर रहता है, एनकैप्सुलेट हो जाता है, वो पहले उसको फोड़ो, उसके अंदर से वो निकल के बाहर आए, जिनके जैसा आएगा, ये सब रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ये सब होना नहीं चाहिए। ग्रंथकर्ताओं ने जो बताया है, उन्होंने क्या बताया उसके हिसाब से मैं अभी आपको बताया, जो सर ने हमें बताए थे, तो ये एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवरण है ये। इसके लिए शास्त्र सम्मत मैंने एग्जाम्पल्स भी दिया, और शास्त्र में से ही निकाल के बताया आपको, मैं अपना खुद का बना के नहीं बता रहा हूँ। प्राणानि आविक्षवातानां वृद्धिमानं च कर्मणां, और श्रोतांसि श्रोतांसेव धातुं धातुनेव प्रदुष्यन्ते प्रदुष्टाः। तो इसका बेस है ये, उसके आधार पर हमने डेवलप किया इसको कि कैसे हो सकता है। इसको कहते हैं ऊहन तंत्र युक्ति। तो ऊहन करना गलत नहीं है, आयुर्वेद में आचार्यों ने खुद ही बताया है ऊहन तंत्र युक्ति है। तो हमने ये ऊहन किया, और वो ऊहन के लिए शास्त्र सम्मत तर्क भी रखा, तो एक रेफरेंस भी दिए, तो इस तरह हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। ये अपने खुद के मन माना, मैंने आंख मुंह उठा क्या है और कुछ भी बोला और आप लोग सुन लो, इस तरह से जबरदस्ती नहीं। ये शास्त्र में जो है चरक का हिसाब से आवरण क्या है वो हमने बताया, और ये सबसे सरल लगा मुझे जो सर अभी कुछ फॉर एग्जाम्पल कुछ आवरण ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम चिकित्सा से ठीक हो जाते हैं। अभी जैसे समझो सामने एक व्यक्ति है, वो हमें अड़चन कर रहा है, अगर वो बलवान है, उससे हमें डर लगता है, तो हम क्या करेंगे, उस वहां से वापस आ जाएंगे। तो वो बलवान आवरण है, उसकी चिकित्सा के लिए हमें तलवार लेके जाना पड़ेगा, बंदूक लेके जाना पड़ेगा, उसको मार काट के हमें जाना पड़ेगा। तो कोई छोटा बच्चा है, वो आपको बोल रहा है मत जाओ मत जाओ, आप क्या करेंगे, एक थप्पड़ मार दिए वो हट जाएगा, आप निकल जाएंगे। तो दोष दृष्टि कम है, उसकी चिकित्सा भी कम लगता है, और आवरण की चिकित्सा के लिए कम लगता है। कुछ आप त्रिकटू दे दिए, पंचकोल दे दिए, त्रिफला चूर्ण पंचकोल मिला के दे दिए, या कोई छोटा सा कषाय बस्ती बना के दे दिए, त्रिफला कषाय बस्ती से वो हट गया, उसकी चिकित्सा हो गई। लेकिन कुछ आवरण ऐसे होते हैं जैसे एओवैस्कुलर नेक्रोसिस, उनके लिए चिकित्सा लंबी समय तक देना पड़ता है। तो कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, तो उनमें बलवान आवरण होता है, तो उसकी चिकित्सा बहुत समय तक करना पड़ता है आवरण हटाने के लिए। अभी हमारे पास जो केसेस आते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये द डिस्क बल्ज होते हैं, डिस्क एनलार्जमेंट, डिस्क प्रोलैप्स होते हैं, तो इसमें कफ के आवरण बहुत होता है, स्तंभ गौरव होता है, उन सबको हटाने के लिए एक दो तीन क्षार बस्ती देना पड़ता है, तब जाके वो कफ का आवरण हट के शुद्ध वात में आ जाते हैं, उसके बाद हम स्नेहन शुरू करते हैं। तो ये कुछ आवरण की चिकित्सा बहुत कम समय में होता है, कुछ आवरण की चिकित्सा के लिए समय लगता है। वो एक एग्जाम्पल जो आपने बताया, एक आदमी है वो अब साइड कर दिया, साइड हो जाएगा, तो छोटा आवरण है, अभी बनने में था, अब तभी हटा दिया। तो इस तरह तो आवरण एक हर एक व्याधि में होने वाला एक छोटा सा घटक है। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड। और कोई किसी को कुछ पूछना है? तो आई थिंक हियर वी डिस्कस्ड इन डिटेल विद रिगार्ड्स टू दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ आवरण एंड ऑल। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट सम मोर such unique concepts of Ayurveda which are very useful in our clinical practice, and I thank you all for your patience listening. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.